वेलकम गाइज, SSC IQ YouTube चैनल सभी का स्वागत है। तो आज जो वीडियो है वो कट ऑफ से रिलेटेड है, ये लोअर टू की जो कट ऑफ थी उसके बारे में है। तो लोअर टू का जो कट ऑफ गया है वो काफ़ी हाई फाई गया है, उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि कमेंट में मैंने कई लोगों को देखा कमेंट करते हुए कि कट ऑफ नहीं मिल रहा है, कहाँ पर कट ऑफ दिया हुआ है, तो इसलिए मैं उसकी PDF को यहाँ पर आपको एकदम डिटेल में बताऊँगा कि किस तरह से कट ऑफ, किस किस विभाग का, किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या गया हुआ है कैटेगरी वाइज। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपको इसी से रिलेटेड, UP SSC से रिलेटेड सारे वीडियो, सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको अवेलेबल होंगे इन फ्यूचर, कभी भी कहीं भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, हम आयोग के PDF पर आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए, ये पूरा आयोग के द्वारा जारी किया हुआ PDF है। इसमें लिखा हुआ है साफ सुथरा कि कितने लोग कितनी वैकेंसी पर क्वालिफाई हुए हैं। तो यहाँ पर 2226 लोगों को उत्तीर्ण किया गया है 641 पदों के लिए, और जो है इंटरव्यू इनका उसी के अनुसार होगा। तो पहली बात, जब इंटरव्यू के लिए इनको बुलाया जाएगा तो वहाँ पर आपको आपके पोस्ट वाइज, आपकी जो कैटेगरी है, जो आपका चॉइस है फर्स्ट, उसके हिसाब से आपसे वरीयता मांगेगा आयोग। वहाँ पर आप फॉर्म फिलअप करके वो वरीयता देंगे, उसके बाद आपका फाइनल जब इंटरव्यू होगा उसके बाद फाइनल मेरिट जो बनेगी उसमें सारा डिसाइड होगा कि आपको किस पद के लिए चयनित किया गया है। तो यहाँ पर हम कट ऑफ की बात करने वाले थे। कट ऑफ देखने के लिए हम सिंपली इस पेज के बॉटम में जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिया है आयोग विज्ञापन संख्या 22/2016 द्वारा विज्ञापित सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा प्रतियोगात्मक परीक्षा 2016 के अंतर्गत विभागों के कुल 641 रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार हेतु अर्हता पाए जाने अभ्यर्थियों का कट ऑफ अंक यहाँ पर दिया गया है। कई लोगों को कट ऑफ मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो इसमें देखिए ध्यान से, इसमें देखिए कट ऑफ क्या है। निदेशक सूचना जनसंपर्क, यहाँ पर जो है निदेशक सूचना जनसंपर्क जो पोस्ट है, यहाँ पर देखिए कट ऑफ जनरल के लिए 258 है, SC ST के लिए है, यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए है, SC के लिए 248 है, और अन्य OBC के लिए 258 है, ठीक है। और यहाँ पे लेडीज़ कोटे के लिए अलग है 254, और कुछ यहाँ पर जो भी पद विज्ञापित नहीं है, जिसमें पद नहीं है, जिसके लिए वैकेंसी नहीं थी, वो अपना यहाँ पर लिख दिया गया है, वो चीज़ दिखाई गई है। अब सेकेंड बात, यहाँ पर क्षेत्रीय प्रदर्शनी यहाँ पर है, क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारी, इसमें 272 जनरल का है, SC का 252 है, OBC का 272 है, महिला के लिए 268 है, और बाकी तो आपको पता ही है इसमें अप्लाई नहीं है, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए निदेशक प्रावधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश कानपुर पुस्तकालय अध्यक्ष के पद था, तो इसमें अनारक्षित के लिए 200 अंक, और यहाँ पर SC 182, और ST के लिए 140, और यहाँ पर अन्य पिछड़ा OBC के लिए 200 अंक निर्धारित थे, कट ऑफ गया है, ठीक है। अब यहाँ 198 है, 190 है, 146 है, 184 है, अलग अलग पोस्ट वाइज, ठीक है। अब आते हैं निदेशक विकलांगजन विकास विभाग में पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए, यहाँ पे 254, 226, 254 ये कट ऑफ है। और उसके नीचे जो है छात्रावास अधीक्षक का जो पोस्ट है उसके लिए 222 ये है, और महिला के लिए 220 है, ठीक है। अब नीचे आएंगे प्रूफ रीडर के लिए, तो प्रूफ रीडर के लिए यहाँ 250 है, और बाकी का तो नॉट अप्लीकेबल है, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, यहाँ पे देखिए मोबिलिटी अध्यापक का जो पोस्ट है उसके लिए जो कट ऑफ है 206 है, 206 यहाँ पर भी है, 206 यहाँ पर भी, और महिला का है 240, ठीक है। अब नीचे चलते हैं तो यहाँ अब विभाग चेंज हो गया है, निदेशक प्रशिक्षण एवं स्वयोजन उत्तर प्रदेश लखनऊ, यहाँ के लिए है पुस्तकालय अध्यक्ष की वैकेंसी, उसके लिए कट ऑफ 268 गया है, बाकी एप्लीकेबल नहीं है। अब यहाँ पे सहायक भंडारी की जो पोस्ट है उसी में डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पे 246 कट ऑफ गया है, और SC का 230 गया है, ST का 180 गया है, अन्य पिछड़ा वर्ग का OBC का जो है 246 गया है, महिला के लिए 200, और स्वतंत्रता सेनानी जो हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, इनके लिए सबके लिए 238, 210, 226 गया हुआ है। अब आगे बात करेंगे तो नियंत्रक विधिक माप विज्ञान ये जो पोस्ट है इसके लिए आपका जो कट ऑफ है 284, 266,
284, इसमें जो पोस्ट है निधि निरीक्षक विधिक माप विज्ञान, ये है, ठीक है। 270 यहाँ महिला के लिए गया है, इसमें कलाकार की पोस्ट है, ये आप देख लें 6 नंबर पोस्ट पे, यहाँ पे 170 है, यहाँ 170 है, यहाँ भी 170 है, मतलब तीनों का कट ऑफ सेम है, और महिला के लिए 168 है और यहाँ पे 136 है, अब ये देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, निदेशक महिला कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ, इसमें अन्वेषक का जो वैकेंसी है, अन्वेषक की जो पोस्ट थी उसमें 260 गया है, और यहाँ पे SC का 238 गया है, यहाँ पर OBC का 260 गया है, यहाँ महिला के लिए 242 का, ठीक है। अब नीचे चलेंगे तो यहाँ पर देखिए विभाग, उसी विभाग में व्यायाम से प्रशिक्षक का वैकेंसी है, तो यहाँ पर अन OBC के लिए सिर्फ वैकेंसी थी तो 272 गया है कट ऑफ। यहाँ सहायक अधीक्षक की वैकेंसी थी तो यहाँ पे 240 है, यहाँ 238 है, यहाँ पे 240 थी, अब महिला के लिए 240 वैकेंसी, 240 कट ऑफ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सहायक अधीक्षक बालिका राजगृह संरक्षण गृह, तो वहाँ पर अनारक्षित के लिए 258 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 258, मतलब जनरल OBC दोनों का बराबर ही है। अब नीचे बात करते हैं, सहायक अधीक्षक जिला जिला शरणालय प्रवेशालय केंद्र महिला, तो यहाँ पर 260 है, ठीक है, और बाकी में अप्लाई अप्लीकेबल नहीं है। क्राफ्ट टीचर केवल महिला है जो था, उसमें 226 कट ऑफ गया है, OBC का भी 126 ही गया है। सहायक अध्यापक की वैकेंसी जो थी उसके लिए 246 कट ऑफ यहाँ पे गया है, SC का 182 गया है, OBC का 226 गया है, ठीक है। महिला के लिए 214 है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 166 है। अब नीचे आएंगे, बात करेंगे यहाँ पर पुस्तकालय सहायक की जो वैकेंसी थी उसमें 268 है और बाकी में अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर पर्यवेक्षक वर्ग 3 जो सुपरवाइजर वर्ग 3 है, सेक्शन 3 क्लास 3 का, उसमें ये आपका कट ऑफ है 244, 206, 244। यहाँ महिला के लिए 228 है, 240, यहाँ पर 124 है, यहाँ पर 236 है। तो ये हो गया प्रावधिक प्रविधिक पर्यवेक्षक का जो है उसमें 270 है, इसमें महिला का 270 है, ठीक है। इस तरह से वैकेंसी हैं इसमें सारा, ये देखिए खादी विभाग का है, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का है, उसमें औद्योगिक सहायक सहकारी पर्यवेक्षक का वैकेंसी है, तो उसमें 238, 232, 140, 238, 218, 240 से ये सब वैकेंसी, ये सब कट ऑफ गया है। यहाँ प्रयोगशाला सहायक का है, भौतिक का, फिजिक्स का 286 गया है, जनरल का, SC का 270, OBC का 286, महिला का 272, और यहाँ पर प्रयोगशाला सहायक का है तो यहाँ 282, 274, 282, ठीक है। ये इस तरह से आपका पूरा का पूरा इसमें दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 1x1 सारा, यहाँ पे 270 है, यहाँ 252 है, 270 है, ठीक है। अब यहाँ पे सहायक कंप्यूटर के लिए है तो यहाँ पर 274 है, और यहाँ पे वैज्ञानिक सहायक रसायन का देखें तो इसमें 272 है, यहाँ पे 252 है, 272 है, 264 है, 198 है, 252 है, काफ़ी हायर कट ऑफ गया है सभी का, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था स्टूडेंट्स ने। तो यहाँ पर देखिए वैज्ञानिक सहायक जीव विज्ञान का है तो 258 है, 244 है, 258 है, 252 है, 196, 244 है, ये सारा है। वैज्ञानिक सहायक कंप्यूटर फॉरेंसिक का है 278 है, 268 है, 278 है, इनका भी काफ़ी हाई गया है। अब यहाँ पर निदेशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश में छात्रावास सहायक का जो है पोस्ट है उसमें 202 है, 194 SC के लिए है, अनुसूचित के लिए 86 है, यहाँ पे 202 OBC के लिए है। अब यहाँ पर पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए है क्या, 224 है जनरल का, ठीक है। तो ये इस तरह से पूरा का पूरा जो है आपको कट ऑफ मैंने बता दिया है 1x1। अब किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, काफ़ी बच्चे जो स्टूडेंट हैं उनको कट ऑफ मिल नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है जिससे आप यहाँ पर सारे कट ऑफ आप इजीली देख सकते हैं, सारे के सारे कट ऑफ आपको स्क्रीन पे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कोई भी कट ऑफ आप यहाँ पर आराम से देखें, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा लॉस है, कल को इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन रहेगी तो आप मिस कर जाएंगे। अगर सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को प्रेस करके रखते हैं तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा, जैसे ही मैं UPSC से रिलेटेड कोई भी वीडियो डालूंगा ना तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगर कोई न्यू अपडेट मिलेगी तो फिर से मिलूंगा किसी न्यू अपडेट के साथ, टेक केयर, बाय बाय।